चाइनीज ऐप्स पर भारत में बैन लग चुका है। कुछ ऐप्स पर केंद्र सरकार ने पहले बैन लगाया था, कुछ पर अब लगाया गया है। इस कदम को समूचे भारतवासी बेहद अच्छा मान रहे हैं। अब तो कांग्रेस नेता भी इस कदम पर देश के प्रधानमंत्री को साधुवाद दे रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने भी केंद्र सरकार की तारीफ की है और कहा कि चाइना को सबक सिखाना बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि चाइना अपनी सभी हदें पार कर रहा था और भारतीय सीमाओं पर कब्जा कर अधिकार जमाना चाहता था। उसे इसी तरीके से सबक सिखाया जा सकता था। कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने कहा कि भारत में चाइना की ऐप पर बैन लगाना स्वागत योग्य कदम है, लेकिन केबल ऐप्स को बंद कर ही इतिश्री नहीं करनी चाहिए, कुछ ठोस कदम उठाने भी बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि पबजी जैसी ऐप्स से युवाओं का जहां एक ओर समय बर्बाद हो रहा था, वहीं कई युवा अपनी जान तक गंवा बैठे हैं। चाइना की इन ऐप्स से भारत का भविष्य अंधकार में जा रहा था, इसलिए इन ऐप्स पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी था। वहीं चाइना की विस्तारवादी नीति भारत के लिए लगातार घातक सिद्ध हो रही है। अगर समय पर इसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया तो भारतीय सीमाओं पर संकट बढ़ सकता है। जो ये फैसला सरकार ने लिया है, ये चाइना पे एक आर्थिक दबाव तो बनाएगा, ऐसा नहीं है कि इसका कोई असर चाइना पे नहीं होगा। सरकार को तो ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था और सभी ऐप्स को बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि जितना भी चाहे आप कोशिश कर लें, चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कल की घटना चक्र देख लें चाहे, जहाँ पर उन्होंने फिर घुसपैठ करने की कोशिश की और अभी तक वो हमारे एरिया में कब्जा करके बैठा है। सरकार को खाली ऐप्स बंद करने से कोई नहीं, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए ताकि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसका विरोध किया जाए। और तभी होगा कि ऐसा ना हो कि पैसा हमारा ऐप्स के थ्रू चाइना जाए और वो ही हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो। हम अपने वीरों की शहादत को भूल नहीं सकते, हमें हर समय उन्हें याद रखना है, उन्हें नमन करना है कि जो हमारे लिए जिन्होंने अपने प्राण दिए और जो आज भी सीमा पे जो जवान हैं, खड़े हैं ऐसी सर्दी में, ठंड में, उनकी कुर्बानियों को हमें याद रखना है और हर प्रकार का सहयोग सरकार को देना है कि जो भी फैसला सरकार चाइना के विरुद्ध लेगी वो पूरा देश एक आवाज में उसका समर्थन करेगा। एडिक्शन चाहे कोई भी हो, अगर बच्चों का ध्यान उसमें लगा रहेगा तो हिंदुस्तान के भविष्य पे फर्क पड़ता है। जहाँ तक पता है, कुछ लोगों ने पबजी के चक्कर में कुछ लोगों की, बच्चों की जान भी गई है, तो सरकार को तो पूरा नियंत्रण इस पे रखना चाहिए और इसे रोकना चाहिए।